पूरी वीडियो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ और आप उससे सीख सकते हो, बना सकते हो। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी तो आप मुझसे बनवा के मंगवा सकते हो। इसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे कॉन्टेक्ट करना होगा। और वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा और मैं ऐसे वीडियो आपको बनाता रहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ये जो डिज़ाइन है कंप्यूटर में आपको दिख रही है, ये बनानी है। और हमने इसकी पूरे कटिंग कर ली है, देखो ये आप, ये तो आप ये देख रहे हो जो लेजर कटिंग हो रही है, ये एक्रिलिक 3 mm की सीट है। और हम इसका जो आउटर साइड है वो कट कर रहे हैं, जिसकी जगह पे हम इसमें क्लियर सीट लगाएंगे। और क्लियर सीट से हम पीछे से जो लाइट लगाएंगे वो लाइट इस पर क्रॉस होगी। और ये जो आप वाइट पे ब्लैक कलर आप देख रहे हो, ये विनाइल है। और ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारी एक्रिलिक की वाइट कलर की सीट होती है उस पर रोशनी आसानी से क्रॉस हो जाती है। तो हमें क्या, रोशनी हर जगह से नहीं निकालनी, सिर्फ जितने एरिया को हम आउटर कट करेंगे उसी एरिया से हमारी लाइट बाहर आनी चाहिए। इसलिए हमने इसमें ब्लैक कलर का विनाइल अपोजिट साइड से लगाएंगे, जो कि ये अंदर साइड रहेगा, सामने फ्रंट में सफ़ेद ही दिखेगा। और पूरा आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखने लगेगा कि हम ऐसा कैसे इसको बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और आप इसको सीखते रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। ये और इस नेम प्लेट का जो लुक है बहुत ही प्यारा है। तो आप इसकी लेजर कटिंग देख लो, अभी कंप्लीट होने वाली है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम लाइट कैसे लगाते हैं सर। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, हमने इसका पूरा होलो कटिंग कट लिया है। अब इसके पीछे हम 5 mm की क्लियर सीट लगा रहे हैं, जिस पे हम आगे का जो आउटर है उसकी जगह को भर सकें। और ये होलो कटिंग पे कटी हुई है तो हमें उसकी जगह पे 3 mm की क्लियर आगे लगानी होगा और ये 5 mm की क्लियर पीछे रहती है। और इसको आप देख लो, आपको देखने में ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, आप इसको बोन से चिपकाया जा रहा है। इसमें हम लोग LED लाइट लगाएंगे, जिससे कि ये जो ग्लास है इस पर फैलेगी, और जब ये फैलेगी तो आगे की तरफ रोशनी को बढ़ाएगी। और ये जो आप ये पट्टा देख रहे हो, हमने इसको आउटर से कटिंग कर लिया था और हमने इसको पूरा चिपका दिया है। अब हम जो आगे का होलो कटिंग कटी हुई थी, हमने पीछे पहले 5 mm का क्लियर लगा दिया। अब फ्रंट में जो हमने होलो कट किया था उसको क्लियर से लेवल मेंटेन करेंगे, क्योंकि सीट जो कटिंग हो चुकी है उसका पूरा लेवलिंग होनी चाहिए। तो हम इसमें आगे जिस प्रकार की 3 mm की वाइड थी, उसी प्रकार से 3 mm के क्लियर कट करके ऊपर से चिपकाएँ, जिससे हमारी सीट लेवल पर आ जाए। और जो आप ये क्लियर सीट देख रहे हो, हमारी जो लाइट बाहर आएगी इसी से आएगी। और इसका बेनिफिट ये है कि जितने हिस्से में अपना क्लियर लगा हुआ है उसी जगह से लाइट बाहर आएगी। तो हमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमारी जो प्लेट है उसकी बाउंड्रीज और जो नाम है उसकी बाउंड्री से लाइट जलेगी, जिस वजह से नंबर की और जो लेटर है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये देखिए, हमें क्लियर पन्नी निकाल के और ये 3 mm का क्लियर है ऊपर से कर दो तो जो इसकी सीट है उसकी लेवलिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी लेवलिंग कर दी है। अब ये देखो आप, बिल्कुल बराबर 3 mm की जो एक्रिलिक सीट है और 3 mm की जो वाइट सीट है, उसको दोनों को हमने पेस्ट करके पूरा बराबर कर दिया। और जो पीछे इस प्रकार से हमने 5 mm की सीट को चिपकाया है। यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो क्लियर सीट है इसको लगा के हम इसके बाउंड्री से लाइट अंदर की तरफ भेजेंगे। और जो ऊपर हमने इसको बराबर किया है वो इसलिए किया है कि जो इसके ऊपर गोल्डन कलर का लेटर चिपकेगा, मैं दिखाता हूँ आपको एक करके, जैसे ये डी है। अब ये डी को मुझे इसके ऊपर चिपकाना है, तो ये हम इस पर अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे तो हमारी जो बाउंड्री है यहाँ से हमें लाइट आएगी। और फिर हम जब इसके पीछे लाइट लगा देंगे तो ये रोशनी से भी यहाँ से भी। अब लाइट कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें दूसरी प्रकार से।
अब देखिए जो हम इस पे लाइट लगाने वाले हैं वो लाइट कहाँ से आएगी, तो ये है नियॉन लाइट जो आप देख रहे हो वाइट कलर का, ये नियॉन लाइट है। हम इसके बीच से इसकी जो मेन स्ट्रिप लाइट है, नियॉन लाइट में स्ट्रिप लाइट होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है और लॉन्ग लाइफ होती है, इसको हम काट के निकाल लेंगे। मार्केट में भी स्ट्रिप मिल जाती है मगर वो स्ट्रिप में प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि उसके बल्ब बंद हो जाते हैं और फिर दिक्कत आएगी। नियॉन लाइट के बल्ब में ऐसी प्रॉब्लम जनरली नहीं होती है, तो हम नियॉन लाइट की जो स्ट्रिप है वो निकाल लेते हैं और इस पे पेस्ट करेंगे। अभी देखिए हमने इसको काट लिया है और ये इसकी स्ट्रिप निकाल दी। जनरली रेट लगभग सेम ही पड़ता है तो इसलिए हम नियॉन, तो ये जो हमने नियॉन लाइट से स्ट्रिप निकाली थी उसको हमने सोल्डिंग कर लिया है। आप जो ये वायर देख रहे हो ये हमने सोल्डिंग कर लिया है और इसको इसी प्रकार से पेस्ट करना है। इसका जो फेस है आपको ऊपर की तरफ रखना है और जो लाइट के वायर हैं वो एक दूसरे के आसपास रखें जिससे कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो, और बोन्ड से एलईडी को चिपका जा सकता है, थोड़ा समय लगता है बट हम चिपका सकते हैं। अब आप जिस प्रकार देख पा रहे हो हमने इसको जला के भी चेक किया और इसी प्रकार से हम इस पे लाइट पेस्ट कर देते हैं। धीरे धीरे ये कंप्लीट हो रही है, बने रहिएगा वीडियो पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। एलईडी चिपकाने के बाद हमें इसके ऊपर विनाइल लगाना है वाइट कलर का, जिससे जो रोशनी है वो पूरी फ्रंट की तरफ जाए, इधर उधर ना भटके। इसको एक दिशा देना है विनाइल लगा के, कोशिश करिएगा वाइट कलर का विनाइल लगाइएगा या रेडियम। अब हम इसका बेस बना लेते हैं जिससे हम इसको बॉक्स में पैक कर देंगे। ये देखिए इसकी वॉल है, इसको पूरी तरीके से हम चिपका के और हम इसका वॉल बना देते हैं, इसको पूरी तरीके से पैक करना रहेगा। इसको हम पैक करते हैं, ये नट बोल्ट का जो गुटका लगा दिया अपन ने, इसमें नट बोल्ट टाइट होगा, ऊपर से रहेगा, दोनों साइड से बेस मजबूत करेगा और इसको हम पैक कर देते हैं। ये पूरी बॉक्स इसका पैक हो जाएगा और फिर इसके बाद हम फाइनली, बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम गोल्डन कलर के लेटर चिपका देते हैं, फिर हम इसको आपको चालू करके दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से जलती है। लगभग ये काम पूरा तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए हम एक इसको CLF केमिकल से इस गोल्डन कलर की लेटर्स को ऊपर से चिपका रहे हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। Oh, 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 oh